सुप्रभात बच्चों, हम लोग रक्त परिसंचरण के क्रम में रक्त की रचना और कार्य को देखे, हृदय की रचना और कार्य को समझे, देखे किस प्रकार रक्त के परिसंचरण में हृदय की क्रियाशीलता और सक्रियता महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि हृदय ही वह सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन है जो ब्लड सर्कुलेशन को कंडक्ट और कंट्रोल करती है। इस क्रम में जो बातें आई उसमें कई तरह के शब्द आपको सुनने को मिले और उन शब्दों और पूरी हृदय की जो क्रियाविधि है उससे इस चैप्टर में कई छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जिसकी जानकारी अनिवार्य है। जैसे धमनी और शिरा में क्या अंतर है, दोनों में रक्त प्रवाह होते हैं, दोनों रक्त नलिकाएं हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है बता रहा हूं। इसी तरह शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, ये दोनों हमारे शरीर में ही है रक्त, लेकिन एक को हम शुद्ध कहते हैं दूसरे को अशुद्ध कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हृदय चक्र क्या है, कल भी मैं बताया था कि अशुद्ध रक्त शरीर से आती है और हृदय से होते हुए फेफड़े में जाती है, वहां से शुद्ध होकर फिर हृदय में आती है और पूरे शरीर में महाधमनी द्वारा वितरित कर दी जाती है, इसको एक चक्र कहते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे हम। द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मनुष्य में जो या स्तनधारियों में जो रक्त परिसंचरण की क्रिया है वह द्विगुण परिवहन कहलाती है, क्यों उसकी व्याख्या करूंगा, और संकुचन और शीथलन क्या है, और लास्ट क्वेश्चन पेसमेकर क्या है, इन प्रश्नों पर क्रमिक रूप से हम चर्चा करेंगे। धमनी और शिरा में अंतर, ये पहला सवाल हम लोगों का है। तो धमनी और शिरा मोटे तौर पर ब्लड पाइपलाइन है, रक्त को प्रवाहित करने वाली नलिकाएं हैं, लेकिन दोनों में फंडामेंटली आधारभूत रूप से कई महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ये दोनों हमारे रक्त परिवहन की दो नलिकाएं हैं, धमनी और शिरा। अब हम अंतर की चर्चा करें तो धमनी से होकर शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, मतलब साफ है कि हृदय से जो शुद्ध रक्त निकलती है वो धमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर तक संचरित की जाती है। शुद्ध रक्त का उल्लेख मैं बाद में करूंगा, तत्काल आप जाने कि वैसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है, ऑक्सीजन युक्त होते हैं ये शुद्ध, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध। तो धमनी से होकर शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, अर्थात हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त इसी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होती है। लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी जो फेफड़े से हृदय तक लाती है रक्त को, उसमें फेफड़े से हृदय तक ले जाती है रक्त को, उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ये अपवाद है। जो बाएं निनय दाएं निनय में जब अशुद्ध रक्त आते हैं दाएं आलिंद से, तो दाएं निनय से जो नलिका फुफ्फुस धमनी फेफड़े तक रक्त को ले जाती है वहां अशुद्ध रक्त होते हैं, यह जनरल कंसेप्ट से अपवाद है। अब दूसरी ओर देखें शिरा के बारे में, तो शिरा से होकर अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, आपको पता है श्वसन में कि हर कोशिका में श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को मिल गया तो वो अशुद्ध रक्त हो गया, अर्थात संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त संग्रहित
करके यह सिरा जो है इसी माध्यम से हृदय तक पहुंचती है। और फिर इसका अपवाद है कि सामान्यतः सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं, लेकिन फेफड़े से जो शुद्ध रक्त आती है हृदय में वह फुफ्फुस सिरा द्वारा आती है और उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब हम उसके दीवारों की चर्चा करें तो धमनी की दीवारें, उसका जो वाल है वो सिरा की तुलना में अधिक मोटी और लचीली होती है। किसकी? धमनी की। धमनी की दीवारें अधिक मोटी और लचीली होती हैं, सिरा की दीवारें धमनी की तुलना में कम मोटी और कम लचीली होती है। धमनी में किसी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिरा में कपाट की वाल्व की स्थिति उपस्थिति होती है, जिसके कारण उसके ब्लड का प्रवाह जो है वो हृदय की ओर होता है, लेकिन हृदय से पुनः सिरा की ओर नहीं होता है। मतलब धमनी कपाट रहित होते हैं और सिरा में कपाट की उपस्थिति होती है। और लास्ट की रक्त दोनों में बह रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो धमनी में रक्त की गति सिरा की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में अंतर देख रहे हैं। हमारे शरीर में संचरित होने वाले रक्त की दो स्थितियां होती हैं, या तो वे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में प्रवाहित हों, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में प्रवाहित हों। अब ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, इसी के आधार पर रक्त शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। आपको जानकारी है कि ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण वायु है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है। तो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वह शुद्ध रक्त मानी जाती है और यह फेफड़े से हृदय होते हुए धमनी द्वारा पूरे शरीर को प्राप्त होती है। चूंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति फेफड़े में ही होती है ब्लड को, तो फेफड़े में ब्लड को ऑक्सीजन मिला, मतलब वो शुद्ध हुआ। अब वहां से वो फुफ्फुस सिरा द्वारा कहां आता है? हृदय में, और हृदय से फिर महाधमनी होकर या धमनी से होकर वो पूरे शरीर में चली जाती है। अब दूसरी स्थिति कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो अशुद्ध रक्त होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अशुद्ध रक्त है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को कहां मिला? सभी कोशिकाओं में होने वाले श्वसन के फलस्वरूप सह उत्पाद के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड बने थे वे ब्लड को मिलते हैं, और इस प्रकार यह अशुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर से सिरा द्वारा हृदय में लाई जाती है और हृदय से पुनः ये शुद्ध होने के लिए फेफड़े में चली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय चक्र क्या है? अब इस हृदय चक्र को समझने के लिए हमें पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को एक बार देखना होगा। हम आरंभ चाहे कहीं से करें, एक चक्र पूरा उसका होगा और उस चक्र का पूरा होना ही हृदय चक्र कहलाता है। हम आरंभ करते हैं कि हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में शुद्ध रक्त कहां से आती है। तो ये फेफड़ा जो हमारा है, लंग्स, ये बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन रक्षा के लिए करती है। क्या है यहां कि यहां CO2 जो संपूर्ण शरीर से लाई जाती है
उसका परित्याग होता है और ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। अब ये ऑक्सीजन ग्रहण हो गया मतलब ये शुद्ध रक्त हो गया, या फुफ्फुस शिरा द्वारा कहां जाएगी, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीलय में, बाएं नीलय से ऑक्सीजन जनित जो रक्त है वो धमनी में जाती है, धमनी द्वारा वो पूरे शरीर की कोशिकाओं तक फैलती है, संचरित होती है। अब हर कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है श्वसन के क्रम में। अब यहां पर श्वसन की क्रिया में ही O2 खपत हो गया, O2 का कंजम्पशन हो गया और CO2 का उत्पादन हो गया। अब यहां से जो ब्लड चलेगी उसमें CO2 होगा मतलब वो बी ऑक्सीजनित रक्त होंगे। ये पूरे शरीर से सिरा में, सिरा के माध्यम से हृदय के दाएं आलिंद में, और हृदय के दाएं आलिंद से दाएं नीलय में, और फिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े को भेज दिए जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हृदय की सक्रियता से, हृदय की सक्रियता से निकलने वाली शुद्ध रक्त का पूरे शरीर में संचरण और पुनः अशुद्ध रक्त के रूप में रक्त के हृदय तक पहुंचने की चक्रीय प्रक्रिया का एक आरोह हृदय चक्र कहलाता है। ये ऑलवेज हमारे हृदय की सक्रियता से शुद्ध रक्त निकलते हैं और पुनः वो पूरे शरीर में जाते हैं, पुनः अशुद्ध रक्त आती है। तो एक बार जो ब्लड सर्कुलेशन का जो चक्र पूरा होता है इसे हम लोग हृदय चक्र कहते हैं, जिसका ये डायग्राम है, और इस डायग्राम के आधार पर ब्लड का सर्कुलेशन पूरा होता है। शेष बचे प्रश्न को हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।